हेलो व्यूअर्स, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर सुरेश जैन। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है, बच्चों को किस उम्र में कौन सा दूध पिलाएं, चूजिंग बेस्ट मिल्क फॉर योर किड्स। बच्चों के जीवन के फर्स्ट 2 ईयर्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसके लिए बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलना बहुत ज़रूरी है और सबसे बढ़िया आइटम इस चीज़ के लिए मिल्क ही होता है। हम सभी जानते हैं और मानते भी हैं कि बच्चे को जन्म के बाद सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध ब्रेस्ट मिल्क ही पिलाना चाहिए और अधिकतर मदर्स पिलाती भी है, लेकिन बाद में कौन सा दूध दिया जाए इसको लेकर के मैक्सिमम पेरेंट्स कंफ्यूज्ड रहते हैं। तो आइए आज हम इस वीडियो में ये समझने की कोशिश करते हैं कि किस उम्र में कौन सा दूध पिलाया जाए। सो लेट अस गेट स्टार्टेड। हम बच्चों को एज वाइज 4 ग्रुप्स में डिवाइड करके ये चीज़ समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले 0 to 6 months बेबीज। जन्म के बाद पहले 6 महीने तक बच्चे को माँ का दूध सबसे बेस्ट है। ये बच्चे के लिए भी अच्छा है और मदर के लिए भी अच्छा है, क्योंकि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जितना भी फैट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स जो भी चाहिए सब कुछ इसमें मौजूद है। बच्चे को इससे कई एंटी इन्फेक्टिव फैक्टर्स भी मिल जाते हैं, उससे बच्चा कई बीमारियों से भी बचता है, बच्चा एलर्जी से भी बचता है, बच्चा ओबेसिटी से भी बचता है। अगर किसी कारणवश ब्रेस्ट मिल्क नहीं पिलाया जाए तो इन्फेंट फॉर्मूला पाउडर भी दिया जा सकता है। यह भी बच्चे की न्यूट्रिशनल नीड को हर तरह से पूरा करता है। अब हम बात करते हैं 6 से 12 महीने के बच्चे की। जिस बच्चे ने 6 महीने तक माँ का दूध पिया है वह बच्चा बाद में भी माँ का दूध कंटिन्यू कर सकता है। जिस बच्चे ने इन्फेंट फॉर्मूला पाउडर पिया है वो बच्चा अब फॉलोअप फॉर्मूला पाउडर पिएगा जो 6 महीने के बाद के लिए बच्चों के लिए बनाया हुआ है। इन दोनों से ही बच्चे के न्यूट्रिशनल नीड्स पूरी हो जाती है। हम सभी जानते हैं कि बच्चा जब 6 महीने का हो जाता है तो उसको कम्प्लीमेंट्री फूड के रूप में हर फूड ग्रुप में से कुछ न कुछ रोज़ खाने को दिया ही जाता है और वह धीरे धीरे बढ़ाया भी जाता है। इस खाने की प्रिपरेशन के लिए अगर हमको अन्य किसी दूध से या अन्य किसी दूध से बने आइटम जैसे घी, बटर, क्रीम, दही आदि की अगर ज़रूरत हो तो यह भी साथ में व्यवहार किया जा सकता है, लेकिन अन्य किसी दूध को इस उम्र में मुख्य आहार के रूप में यूज नहीं करना ही अच्छा है। अब तीसरा ग्रुप है 1 से 2 साल वाले बच्चे। जब बच्चा 1 वर्ष का हो जाता है तो अब हम उस बच्चे को गाय का दूध यानी काउज मिल्क दे सकते हैं, और जो बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है वो बच्चा अभी भी ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू कर सकता है। काउज मिल्क न्यूट्रिशनली बहुत अच्छा है, बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए काफ़ी सहायक है। इस उम्र के बच्चों को होल फैट मिल्क, मतलब जिस दूध में से बिल्कुल भी फैट नहीं निकाली गई हो, वो दूध देना चाहिए, क्योंकि बच्चे की ब्रेन की ग्रोथ के लिए ये बहुत ही सहायक होता है। अन्य दूध, कोकोनट दूध, एलमंड दूध, कभी कभार हम ये पेय पदार्थ के रूप में बीवरेज के हिसाब से बच्चे को दे सकते हैं, लेकिन मुख्य आहार के हिसाब से इनको विकल्प में नहीं लेना चाहिए। ये सप्लीमेंट्री के हिसाब से, ड्रिंक के हिसाब से ही ठीक है, क्योंकि इनमें प्रोटीन की मात्रा इस छोटे बच्चे की ग्रोथ रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं होती है। छोटे बच्चे को जैसे एलमंड के टुकड़े वगैरह देने से उसके चोकिंग होने का डर रहता है, तो अच्छा यही है कि उसका दूध बना करके दिया जा सकता है कभी कभार। अब नेक्स्ट ग्रुप है 2 साल से ऊपर के बच्चे। 2 साल से ऊपर के बच्चे का खाना करीब करीब फैमिली फूड ही होता है। गाय का दूध इन बच्चों को दिया जा सकता है, लेकिन 2 साल से ऊपर के बच्चों को हम लो फैट मिल्क दे सकते हैं, और अगर बच्चा ओवरवेट है
ओबेसिटी का शिकार है तो उसको स्किम मिल्क भी दिया जा सकता है। जो नॉन डेयरी मिल्क है जैसे एलमंड मिल्क हुआ, कोकोनट मिल्क हुआ, सोया मिल्क हुआ, वो अब इस उम्र में दिए जा सकते हैं। 1 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं उनको दूध 2 से 3 कप प्रतिदिन देना ठीक है। इसके अलावा बच्चे को न्यूट्रिशनल डिमांड पूरा करने के लिए जितने भी फूड ग्रुप्स हैं उनमें से हर तरह के फूड बच्चे को खिलाए जाने चाहिए, जिससे बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत अच्छी तरह से होती रहे। अब हम कुछ विशेष परिस्थितियों की चर्चा करते हैं। पहली कंडीशन है लैक्टोज इंटॉलरेंस, जिसमें बच्चा लैक्टोज डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। तो ऐसे हालात में हम क्या दें? ब्रेस्ट मिल्क, फॉर्मूला मिल्क पाउडर और काउज मिल्क, इन तीनों में ही लैक्टोज रहता है, इसलिए लैक्टोज नहीं दे सकते। लैक्टोज फ्री मिल्क बाजार में अवेलेबल है, वो दिए जा सकते हैं। अगर बच्चा 1 साल से नीचा है तो उसको सोया मिल्क दिया जा सकता है, और अगर 1 साल से ऊपर है तो उसको अमूल का जो लैक्टोज फ्री मिल्क आता है वो भी दिया जा सकता है। सोया मिल्क देने से बच्चे की न्यूट्रिशनल नीड्स करीब करीब पूरी हो जाती है। केजीन बेस्ड मिल्क भी मिलता है जो लैक्टोज फ्री है, जैसे मार्केट में न्यूसो भी केजीन के नाम से मिलता है। सोयाबीन का मिल्क जैसे आइसो मिल्क के नाम से मिलता है। ये सोया मिल्क बच्चे को क्या टाइप का देना है, कितना देना है, कब तक देना है, यह इस बात पर डिपेंड करता है कि बच्चे लैक्टोज डेफिशिएंसी है, वह टोटल है, पार्शियल है, टेम्परेरी है। तो इस बारे में आप अपने डॉक्टर से बात करिए और डिसाइड करिए कि कौन सा दूध उसको देना है और कितना देना है और कब तक देना है। दूसरी कंडीशन है काउज मिल्क प्रोटीन एलर्जी। इसमें बच्चे के शरीर में काउज मिल्क के प्रति एलर्जी रहती है, काउज मिल्क में जो प्रोटीन रहता है उसके प्रति एलर्जी रहती है, इसलिए हम उसको काउज मिल्क भी नहीं दे सकते हैं। और काउज मिल्क से बने हुए जो कॉमन ब्रांड्स फॉर्मूला मिल्क पाउडर है वो भी हम नहीं दे सकते हैं। लेकिन ऐसे बच्चे ब्रेस्ट मिल्क पी सकते हैं और सोया मिल्क भी पी सकते हैं। इन बच्चों को कोकोनट मिल्क और एलमंड मिल्क भी दिया जा सकता है। अगर किसी बच्चे के काउज मिल्क एलर्जी और सोया एलर्जी दोनों ही हो तो उसको हम काउज मिल्क भी नहीं दे सकते हैं, फॉर्मूला मिल्क भी नहीं दे सकते हैं और सोया मिल्क भी नहीं दे सकते हैं। ऐसे बच्चों के लिए स्पेशल टाइप की प्रिपरेशंस अवेलेबल रहती है मार्केट में, वो दी जा सकती है, या फिर कोकोनट मिल्क, एलमंड मिल्क और अन्य नॉन डेयरी वेजिटेबल सोर्स से जो मिल्क बनते हैं वो दिए जा सकते हैं। नेक्स्ट बात आती है वेगान डाइट की। आजकल इसका प्रचलन काफ़ी चल रहा है। वेगान लोग जो होते हैं वो कोई भी तरह का एनिमल प्रोडक्ट खाने में यूज नहीं करते। ऐसे बच्चे अपनी माँ का ब्रेस्ट मिल्क तो ले ही सकते हैं, उसके बाद में वो लोग सोया मिल्क ले सकते हैं, एलमंड मिल्क, कोकोनट मिल्क, अदर जो नॉन डेयरी जो मिल्क होते हैं वेजिटेबल सोर्सेज के वो ले सकते हैं। आशा करता हूँ अब आपको अपने के बच्चे के हिसाब से व उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या मिल्क दे इसको चूज करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। मेरी इस चैनल में आपकी इसी तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मैंने चाइल्ड हेल्थ के ऊपर में कई वीडियोस बना के रखे हैं, जो आप देखिए, इनका लाभ उठाइए। अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।